अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। शाहीन के किचन में आज हम आपको गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने का तरीक़ा बताएंगे। पैन लीजिए, 50 ml ऑयल डालिए, कौन सा भी ऑयल चलेगा। 1/4 स्पून ज़ीरा, 1/4 स्पून सौंफ अच्छी तरह भून लीजिए। एक बड़ी प्याज कटी हुई, इस प्याज को अच्छी तरह भून लीजिए। हमारी प्याज को ये स्टेज तक भून लीजिए। देखिए इस तरह प्याज कच्ची ना रह पाए। एक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 स्पून मिर्ची, अगर आपको कम चाहे तो भी 1/2 स्पून ले सकते हैं। 1/4 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून धनिया, पिसा हुआ धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर 3 मीडियम साइज के आलू बॉयल करके रख ली। अब हम इसको थोड़ा सा लाइट फ्राई होने दीजिए, जस्ट 3-5 सेकेंड्स। बॉयल आलू को मसाला अच्छी तरह लग चुका, देखिए मिक्स हो गया मसाले में आलू। अब हम इस आलू को इसकी मदद से आलू को नरम कर लेंगे। इस तरह ज्यादा ही नरम मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा घट रहा तो खाने में अच्छा रहता। हाँ, आलू अच्छी तरह नरम हो चुके, ज्यादा ही नरम नहीं, थोड़ा सा लाइट जैसा। फिर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला, 1 स्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून नमक स्वाद अनुसार डालिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर अपन इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। आलू का मसाला बनके तैयार हो चुका। कोतमीर हरा धनिया थोड़ा सा डालिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। हाँ, गेहूं का आटा कप फुल वाला, बड़ा वाला कप, देखिए कप से फुल, देखिए जितना फुल दिख रहा उतना फुल लीजिए गेहूं का आटा, इतनी सारी क्वांटिटी आएगी। अजवाइन 1 स्पून। अब हम इसको अजवाइन को हाथ में डालकर अच्छी तरह मसलेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से स्मेल खुशबू आती, खाने में भी बहुत अच्छा लगता। ठीक है, ये भी डाल देंगे मसल कर। और अब 1/4 स्पून ज़ीरा, 1/4 स्पून नमक, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को जिस तरह गूंथते हैं अपन, उसी तरह गूंथ लेंगे। ना ज़्यादा पतला करेंगे ना घट, जैसा रोटी डालने का आटा अपन जैसा गूंथते हैं उसी तरह गूंथ लेंगे। अभी आटा हमारा चिकना हो गया, देखिए इसी तरह अपन इस आटे को 5 मिनट तक गूंथते रहिए, क्योंकि सॉफ्ट और मुलायम होता। गेहूं का आटा 1 स्पून डालिए, बैटर बना लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन, 1/4 मिर्ची, 1/4 स्पून मिर्ची, थोड़ा सा नमक सॉल्ट, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। घीटे ना पड़े, थोड़ा थोड़ा डालकर, थोड़ा ही थोड़ा अच्छी तरह घोलते जाइए, घोलते जाइए।
इसी तरह गेहूं का आटा पानी में अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम एक चीज ऐड करेंगे, ये है एक अंडा। आपको अगर चाहे तो ऐड कर रही है, वरना स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बाज लोग अंडा नहीं खाते। अब हम इसको अंडा डालकर अच्छी तरह फेंटिए, यानी मिक्स ही मिक्स करते जाइए। हमारा घोल मिक्स हो गया, देखिए बटर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको 3 pieces कर लेंगे, 3 पेड़े बना लेंगे, 3 इस तरह। देखिए थोड़ा घर में जो रोटी डालते हैं ना उससे थोड़ा ज्यादा मोटा। अब हम ड्राई आटा, खुश्की का आटा लेकर लगाकर अब इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। नॉर्मल रोटी से ज्यादा लंबी जैसी गोल बेल लेंगे, बहुत बड़ी बेलेंगे, बड़ी रोटी। अब हम इसको आलू का जो अभी बनाया था ना, आलू का वो मसाला, अब हम इसमें जो अभी आलू का मसाला बनाया था ना वो मसाला डालेंगे। डालकर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह सारी रोटी फैला लेंगे। इस तरह सारा आलू का मसाला फैला लेंगे। अब हम इस रोटी को आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कर लेंगे इस तरह। ये देखिए हमारी रोटी फोल्ड हो चुकी। छुरी की मदद से ये लास्ट कॉर्नर निकाल लेंगे अपन, और ये वाला लास्ट कॉर्नर निकाल लेंगे क्योंकि इधर साइड मसाला नहीं आता। तो फिर अपने छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे इस तरह। इसको इस तरह लेकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे बैक साइड एंड फ्रंट साइड। अब यहाँ पर रखेंगे और सेकंड वाला ले लेंगे, उसी तरह इसको भी लाइट जैसा प्रेस करेंगे, इधर रख देंगे, इसी तरह सारा बना लेंगे। हाँ ये सारे अभी बन चुके, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम डीप ऑयल में फ्राई करेंगे। अभी कढ़ाई चढ़ा दी, तेल गरम हो चुका। अब हम इस बैटर में, इस घोल में हम इसको डीप करते जाएंगे, एक एक कर डुबाएंगे और उसको फ्राई करेंगे, इसी तरह डालेंगे। देखिए इसमें हाँ हाई आंच पे ही फ्राई कीजिए। अभी एक दूसरे को ये चिपक गए, कोई परेशानी नहीं, हम स्पून की मदद से अलग कर सकते हैं। इसको फिर उल्टा कीजिए। हाँ देखिए लाइट ब्राउन कलर तक तलिए, ये स्टेज आना चाहिए। गेहूं के आटे का नाश्ता बनके तैयार हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट और इसके अंदर सारा मसाला भरा हुआ है। देखिए बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और सॉफ्ट है। देखिए तोड़ने पे कितना अच्छा सॉफ्ट हो रहा। देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब।